And thank you. And let me start with Saraswati Vandana. Jaya Jaya He Bhagavati Sur Bharati Tav Charno Pranamama Gamadani Sarisa Jaya Jaya He Bhagavati Sur Bharati Tav Charno Pranamama ब्रह्ममयी जय बागेश्वरी नाथ ब्रह्ममयी जय बागेश्वरी चरणं पे गच्छामा जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमा आसीना भव मानस हंसे कुंद तुटिन शशि धवले नव जड़ता पुरु बोधि विकासम कुंद तुटिन शशि खिलते जय जय हे भगवती सुर तब थैंक यू थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू अदिति. चलिए डॉक्टर शिखा, अब आपको मैं हैंड ओवर कर रही हूँ. एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पुरुषार्थ एक पहल में. थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए और इसको ज्वाइन करने के लिए. सबसे पहले तो थैंक यू पारुल जी कि आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया. आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन कि आप सब लोग आए और इस चीज को ज्वाइन किया, इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं. और आज जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मेरा नाम डॉक्टर शिखा भारद्वाज है और मैं पिछले लगभग 17 साल से आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी पे काम कर रही हूँ. जो पारुल जी का फॉर्मेट है कुछ कुछ मेरा उसी से मिलता जुलता है. आई वॉन्ट टू कनेक्ट माई सेल्फ टू माई रूट्स. आयुर्वेद को हम भूलते जा रहे हैं तो मेरा ये मानना था कि हमें आयुर्वेद में ही थोड़ा आगे प्रमोशन करना चाहिए चीजों का. तो आज हम जिन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं वो टोटली आयुर्वेद से रिलेटेड हैं और आपको कुछ कुछ हेल्प करेंगी आपकी डे टू डे लाइफ में. हम जो बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर फेशियल स्किन, कि जो चेहरे की त्वचा है उसके बारे में बात करेंगे. त्वचा बहुत बड़ा एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, हम सब चीजों को कवर नहीं कर सकते. तो मैंने सिर्फ फेशियल स्किन को ही इसमें इंक्लूड किया है. और देखिए जिंदगी में ना कोई भी चीज बहुत आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए आपको टाइम और पेशेंस दोनों चाहिए होते हैं. तो इस फेशियल स्किन के लिए भी अगर हम सोचे कोई हमने डिब्बी खोली और उसमें से पैक निकला या क्रीम निकला और हमने अप्लाई किया, हमें दुनिया की सबसे खूबसूरत स्किन मिलने वाली है, ऐसा नहीं होता. इट रियली टेक्स पेशेंस और टाइम. अगर आप इस चीज को साथ में लेकर चलेंगे यू विल ऑलवेज गेट रिजल्ट्स. आपकी स्किन आज अच्छी है, आगे भी अच्छी बनी रहेगी अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखें कि जितने भी मैं चीजें बता रही हूँ जादू नहीं है. इट विल टेक टाइम और आपको डेफिनेटली वर्क करेंगी. बच्चा हम स्कूल में डालते हैं तो एक ही दिन में वो डॉक्टर बन के नहीं निकलता है, इट टेक टाइम. तो उसी तरीके से है कि स्किन का केयर करने के लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए साथ में. ये रहेंगी सबसे पहले. आज मैं बात करने वाली हूँ कि स्किन के टाइप्स कैसे होते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, आप उस चीज को कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी. पहला चीज जो रहता है आयुर्वेद में वात पित्त कफ के बारे में बताया जाता है. सब लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं ऑलरेडी. अब आज मैं सबसे पहले उन चीजों को समझाने से पहले 5 ऐसी कॉमन चीजें बताने वाली हूँ जो स्टेप 1 होती है, जो कि सभी लोगों को, स्किन टाइप कैसा भी हो, वात जो पित्त जो कफ जो कॉम्बिनेशन में हो, मतलब वात और पित्त, पित्त और कफ ऐसे वाला भी हो, तो भी सब लोगों को ये चीजें फॉलो करनी चाहिए.
उसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा अवॉइड केमिकल्स. आप लोगों को केमिकल्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं अपने चेहरे पे लगाने के लिए. आज के डेट में ना आयुर्वेद के नाम पे इतना सब कुछ होता है, आयुर्वेदिक क्रीम्स लिखा जाता है, लेकिन आप उससे बहके नहीं कभी भी. इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, उसके इंग्रेडिएंट्स हमेशा चेक करें. बेसिकली जो भी शो द रिजल्ट्स ऑन द फेशियल. ओके, अगली बात करेंगे स्लीप के बारे में. देखिए इसके ऊपर ना बहुत बड़े बड़े डिबेट्स हैं. कुछ लोग कहते हैं 7 से 8 घंटे, कुछ कहते हैं 6 से 7 घंटे. बट व्हाट आयुर्वेद से इनके इनके फायदे होते हैं कि इनको रिंकल्स बहुत लेट आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सीबेशियस ग्लैंड इतना सारा सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये बहुत जरूरी रहता है कि ऐसे लोगों की स्किन को ना बार बार वाइप, वो बोलेंगे हमें बहुत तेल आता है, हमें ऐसे सना सारा दिन वाइप करना पड़ता है. तो वो एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है कपज वालों की, एक चिपचिपापन होना उनके चेहरे पे. कॉमिडोन्स बहुत ज्यादा होते हैं, कॉमिडोन्स जिनको ब्लैक हेड व्हाइट हेड बोलते हैं, वो ऐसे स्किन टाइप वालों के बहुत ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू वातज और पितज स्किन टाइप. चलिए अब हम ना स्टेप टू के नेक्स्ट उसके बारे में. अब आप लोगों को ये तो पता लग गया कि वातज कौन सी है, पितज कौन सी है और कफज कौन सी है, तो इनकी केयर कैसे करनी है अब उसके बारे में बात करेंगे. इसके लिए ना 5 स्टेप फॉर्मूला होता है, जिसमें फर्स्ट हम मोस्टली लोगों को पता होता है क्लिंजिंग. क्लिंजिंग माने साफ करना. व्हाई क्लिंजिंग इज नेसेसरी, डेड सेल्स हमारे स्किन पे इतने सारे रहते हैं, इतना सारा सीबम रहता है, स्वेट रहता है, उन सब लेयर्स को वाइप आउट करने के लिए ना आपको क्लिंजिंग की बहुत जरूरत रहती है. अब क्लिंजिंग करेंगे किससे? एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगी, कभी भी नेक से ऊपर के हिस्से में कभी भी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है. लोग बहुत ज्यादा ये करते हैं कि विंटर्स आ गई, गर्म गर्म पानी बड़ा अच्छा लगता है, सिर धो रहे हैं गर्म पानी से, चेहरा धो रहे हैं. नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप गर्म पानी से चेहरा धोएंगे तो जितने भी ऑयल जो नेचुरली प्रोड्यूसिंग ऑयल है वो जरूरत से ज्यादा खींच कर ले जाएगा. यही इसीलिए डैंड्रफ होने का जो कारण है ना, बहुत सारे लोगों में यही होता है कि विंटर्स आते नहीं और लोग गर्म गर्म पानी सिर पे डालते हैं. नो, और बॉडी अबव द नेक इज नॉट मेंट फॉर द हॉट वाटर. उसके लिए हमेशा आप ल्यूकवॉर्म वाटर, जिसको नवाया पानी या जिसे जो एक इजी टेस्ट ये भी कह सकते हैं, आप हाथ लगाकर देखो पानी को, ना आपको गर्म लगना चाहिए ना वो पानी ठंडा लगना चाहिए. ऐसे पानी से आप अपना मतलब कोई भी सीजन हो, कोई भी वेदर हो, आपका प्रोटोकॉल सेम रहता है. हाथ लगाओ, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा लगे. दैट वाटर विल बी द बेस्ट वन टू बी यूज्ड वेदर ऑन द फेस, वेदर ऑन इधर ऑन द फेस और ऑन द स्कैल्प. बात करेंगे क्लिंजिंग की. जो रफ स्किन, जिनके हम बोलते हैं ड्राई स्किन वाले, वातज वाले होते हैं, मैं कुछ